बहुत कठिन है डगर 24 की। ये बात मैंने महीनों पहले किसी वीडियो में कही थी, मगर अब ये बात खुद बीजेपी के घर से निकलने लगी है। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी बताया था कि किन किन मुद्दों पर बीजेपी अब वोट नहीं मांग सकती, और मांगेगी तो वो बैकफायर होगा। वो बातें भी अब कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। आरएसएस ने बीजेपी को क्या क्या नसीहतें दी हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 बीजेपी के लिए, खासकर पीएम मोदी के लिए, और कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। साथ में बात उत्तर प्रदेश के भी करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार हो, मगर यहां भी लड़ाई बहुत आसान नहीं है, और इसके कुछ संकेत भी सामने आने लगे हैं। हो सकता है कि यूपी में विपक्षी दल कोई बहुत बड़ा खेल कर दे जो बीजेपी का पूरा खेल ही पलट दे। बेहद आसान भाषा में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के नासिर जुनैद हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, ठीक वैसा ही एक और मामला राजस्थान से ही सामने आया है। यह घटना भी दिल दहला देने वाली है। पिछले ही वीडियो में मैंने कहा था कि राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश की पुलिस जिंदा लोगों के लिए काम नहीं करती है, और तुरंत यूपी पुलिस ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया और यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया। जरा सी बात नफरती गैंग की भी करेंगे। इन लोगों ने एक नया मामला शुरू कर दिया है। इस चेहरे को जरा ध्यान से देख लीजिए। आप अक्सर इन्हें गोदी मीडिया पर गर्मा गर्म बहस में सुनते होंगे। आईटी सेल और कट्टर विचारधारा वाले लोग अब इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, मगर गिरफ्तारी की मांग का जो आधार है उसे जानकर आपकी खोपड़ियां चकरा जाएगी और हंसी रुकेगी नहीं। बहुत ध्यान से इस मामले को समझिएगा। पिछले कई सालों से सुनते आ रहे होंगे अखंड भारत, अखंड भारत। हाल ही में खबर आई कि नई संसद में अखंड भारत की कोई तस्वीर लगाई गई है। अब यह मामला नया तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि नेपाल के एक नेता ने भारत के कई हिस्सों को नेपाल के साथ जोड़कर नई मांग शुरू कर दी है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विश्व गुरु भारत के नंबर वन उत्तर प्रदेश के रामराज्य की कहानी सुन लीजिए। पिछली वीडियो में हमने यूपी की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि नाबालिग बिटिया जो कि छेड़खानी से इस कदर परेशान हो गई थी कि उसने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की, मगर पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जब बिटिया ने आत्महत्या कर ली तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस घटना का जिक्र करते हुए मैंने कहा था कि यूपी की पुलिस जिंदा लोगों की फिक्र कम करती है, मरने के बाद मौके पर पहुंच जाती है। अभी जो मामला उन्नाव से सामने आया है, उसमें गांव के दबंगों ने घर की बिटिया से रेप की कोशिश की। विरोध करने पर उसके साथ जबरदस्त मारपीट की गई। परिवार के लोग जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामले में कार्यवाही करने से मना कर दिया। फिर क्या था, परिवार को समझ में आ गया कि जब तक जिंदा है सुनवाई नहीं होगी। नाराज परिवार के लोगों ने लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया, मगर सवाल यह है कि पीड़ित परिवार के साथ, उनकी बेटियों के साथ इतना जघन्य अपराध करने की कोशिश के बाद भी, भयंकर मारपीट होने के बाद भी, जिसमें लड़की के सर में 9 टांके लगे, फिर भी पुलिस ने एक्शन लेने से मना क्यों कर दिया। आत्मदाह की कोशिश के बाद फिलहाल पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है, मगर सवाल फिर से वही है कि गरीब और कमजोर को न्याय मिलना कितना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में किसानों पर पुलिसिया बर्बरता की घटनाएं जबरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं। आपने हाल ही में देखा था किसान आंदोलन से लेकर हाल की हरियाणा में जो घटना हुई, जहां पर सूरजमुखी के बीजों की कीमतों को लेकर किसान MSP पर खरीद की मांग कर रहे थे, इसे लेकर उन पर लाठीचार्ज हुआ और वाटर कैनन से हमला किया गया। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, विश्व गुरु बनने में यह सब तो होता ही है, यह सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अब पहले बात कर लेते हैं 2024 वाली, इसके बाद राजस्थान और नेपाल पहुंचेंगे। याद करिए, कर्नाटक चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दशकों पुरानी राजीव गांधी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा था कि क्या कर्नाटक के लोग इतने नासमझ हैं कि दशकों पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों को देखेंगे और अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर जो 40% कमीशन का आरोप लगा है उसे भूल जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में भाजपा विधायक के घर से 8 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया था। क्या कर्नाटक के लोग उसे भूल जाएंगे? क्या उनके मन में सवाल नहीं उठेगा कि यहां पर ईडी, CBI और इनकम टैक्स क्यों नहीं पहुंचा? वहीं कर्नाटक में कई साल से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नफरती बयानबाजी करके माहौल गर्म करने के प्रयास में लगे हुए थे। आपको याद ही होगा, भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर पहुंच के चाकू में धार तेज करवा रही थी। किसी और भाजपा नेता ने कहा था कि सड़क, बिजली, पानी, ये सब मुद्दे छोड़ दो, ये सब तो बेकार के मुद्दे हैं, हिंदुत्व के नाम पर वोट दो। और अंत आते आते प्रधानमंत्री भी उसे कुएं में कूद गए, या फिर कह लीजिए कीचड़ में कूद गए, लगे चुनावी रैलियों में जय बजरंग बली का नारा लगाने। शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ कि एक सेक्युलर देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में वोट लेने के लिए जय बजरंग बली का नारा लगा रहा हो, धार्मिक नारा लगा रहा हो। बाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर मजा लेना शुरू कर दिया कि बजरंग बली ने उल्टा गधा घुमा के ठोक दिया है बीजेपी को। कुछ समय पहले तक ऐसा देखा जा रहा था कि विधानसभा का चुनाव हो या फिर उससे छोटे स्तर का चुनाव, हर जगह बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को दिखाकर और केंद्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही थी। उसे इसका फायदा भी मिल रहा था, क्योंकि लोग इंतजार में थे कि कोई चमत्कारी आया है और चमत्कार करके पूरे देश की दशा पलट देगा।
रहेगा, लेकिन अब चूंकि 9 साल गुजर चुके हैं और दशा सच में पलट चुकी है, देश में महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, सीमा की सुरक्षा का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर अब तक जो सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ करते थे, अब वो बीजेपी के और पीएम मोदी के सामने खड़े हो गए हैं। एक वक्त में पुलवामा हमला पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में था और अब वही पूरी तरह से उनके खिलाफ होने लगा है। लोग पूछने लगे हैं कि आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हुई, और जिस तरीके के आरोप बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने लगाए उससे यह संदेह और ज्यादा गहरा हो गया है कि पुलवामा हमला हुआ या होने दिया गया, यानी कि बीजेपी के पास अब कोई ऐसा बड़ा हथियार नहीं बचा है जो एक मुश्त लड़ाई में कारगर साबित हो जाए। एक और बड़ा हथियार है पैसे वाला, क्योंकि बीजेपी के पास पैसा बहुत है, मगर पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रमाण दिखाया था कि किस तरीके से पैसे का जादू भी अब बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा है। हिमाचल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तुलना में लगभग 2 गुना पैसा खर्च किया और सीटें लगभग आधी मिली, यानी कि यह भी साफ हो गया है कि पैसे का ब्रह्मास्त्र भी अब काम करने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी विधायकों की तोड़फोड़ करके सरकार बना लिया करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जनता इस बात को समझ गई है कि जिस भी विपक्षी दल को जिताओ उसे इतना जबरदस्त बहुमत दे दो कि तोड़फोड़ की कोई नौबत ही न बचे। कम से कम हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव परिणाम तो यही बताते हैं। अब तक एक और मामला चल रहा था कि लोग स्थानीय मुद्दों को छोड़कर देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने में लगे थे, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जब बात व्यक्तिगत समस्याओं पर आ जाती है तो फिर मुद्दे स्थानीय चलते हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह पूरी कोशिश की कि पूरा चुनाव उन पर आके अटक जाए, उनके चेहरे पर अटक जाए, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने उनके चेहरे से ज्यादा अपने मुद्दों को तरजीह दी। यही बात आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी लिखी गई है और कहा गया है कि 2024 का चुनाव पीएम मोदी और हिंदुत्व के भरोसे ना लड़े, यानी कि अब आरएसएस भी यह मानने लगा है कि पीएम मोदी का चेहरा काम नहीं कर रहा है और हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। जनता अब समझने लगी है कि खतरे में हिंदुत्व नहीं बल्कि उनके बच्चों का भविष्य है, उनके बच्चों की नौकरियां हैं। इसके साथ ही यह बात भी कही गई है कि स्थानीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की जगह क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दें, यानी कि यूपी के निकाय चुनाव में 370 और चीन की बात ना करें, विदेशों में डंका बज रहा है कि डंका फट रहा है उसकी बात ना करें। हालांकि विदेशों में बज रहे डंके की पोल भी अब खुलने लगी है, ऊपर से राहुल गांधी भी विदेशों में जाकर डंका फाड़ रहे हैं। आरएसएस की तरफ से यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचारी नेताओं को बाहर करें, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी ना दें, देने से बचें। आपको बता दें कि हाल ही में देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, और इनमें से ज्यादातर जगहों पर ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी बेहद कमजोर पिच पर खेल रही है। मध्य प्रदेश में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी थी, यानी कि कांग्रेस की अपेक्षा कम सीटें मिली थी, वहां भी 3-5-18 वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत चेहरा बीजेपी के पास नजर नहीं आ रहा है, जो चेहरा था उसे खुद केंद्रीय नेतृत्व ने कमजोर कर दिया, ऐसा आरोप लगता है। एक और बात, आरएसएस ने इस मुखपत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाएं, उनके चेहरे को मजबूत करें, यह बीजेपी के लिए भविष्य के लिए अच्छा संकेत होगा। यानी कि आरएसएस ने भी यह मान लिया है कि पूरी पार्टी को एक चेहरे के पीछे खड़ा कर देना भविष्य में बड़ा नुकसान दे सकता है, क्योंकि यदि वो चेहरा धूमिल होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजस्थान की हालत यह है कि चर्चा भले कांग्रेस के भीतर फूट की हो, लेकिन कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा फूट बीजेपी में है राजस्थान में। और उससे ऊपर मामला यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जनहित के कई बड़े काम किए हैं जिनका असर चुनाव में दिखेगा। तेलंगाना में बीजेपी के लिए उम्मीद लगभग ना के बराबर मान के चलिए। आरएसएस ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने को कहा है। याद करिए 2014 में जब देश में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी तो आरएसएस और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को ही रेखांकित करके चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन कर्नाटक में यह मामला फेल हो गया। यहां बीजेपी को ही भ्रष्टाचार के मुद्दों का सामना करना पड़ा और अपना बचाव करना पड़ा। उसी तरह से केंद्रीय स्तर पर देखें तो जब से गौतम अदानी पर दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का आरोप लगाया गया है और जब से पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई बहुत दिक्कत नहीं है और यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से पैसा लूटते हैं, तब से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर भी निगाहें अलग तरीके की होने लगी हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसे बीजेपी एकमुश्त भुना सकती है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी चीन खड़ा हो जाता है। खबरों के अनुसार सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर रखा है। कांग्रेस अक्सर ऐसा आरोप लगाती है कि उस पर प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोलते, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते और कैसे कह देते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है और यह कहते हुए चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। वैसे चर्चा इस बात की भी होती है कि पूरे देश में दो ही ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है, पहला है गुजरात और दूसरा है उत्तर प्रदेश। मगर सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में सच में वही स्थिति है जिसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि यदि हाल में विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से लगभग आधी सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रही हैं। इसके बावजूद 2022 के चुनाव के बाद कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए जो बीजेपी को लंबा चौड़ा नुकसान दे सकते हैं, जैसे कि अग्निवीर योजना। उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों के ज्यादातर नौजवान सेना में भर्ती की इच्छा रखते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना ने इन नौजवानों को जबरदस्त झटका दिया है, यूं कह लीजिए कि नौजवानों का सपना तोड़ दिया है। इसके खिलाफ यूपी के नौजवानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि किसानों की तरह वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सके, मगर कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी तो मन में होगी ही। दूसरी तरफ कांग्रेस
ने कुछ जगहों पर यह ऐलान भी कर दिया कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दो दो सिलेंडर देने का वादा किया गया था। होली और दीपावली पर, होली दिवाली दोनों बीत गए, वादा वादा ही रह गया। जिस तरीके से अपराध चरम पर होता जा रहा है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक ही साबित होंगी। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी जनता देख रही है। अब इसी खबर को देख लीजिए। मथुरा के डिप्टी कमिश्नर के पिता की हत्या हो गई। 5 दबंगों ने पहले जमकर पीटा, फिर बांका से हाथ काट दिया। पुलिस कस्टडी में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कहीं कोर्ट में गोलीबारी हो रही है, बलात्कार की घटनाएं तो इतनी ज्यादा होने लगी हैं कि कवरेज कर पाना मुश्किल है। उधर समाजवादी पार्टी भी 2024 के लिए चुनाव में कमर कसती हुई नजर आ रही है। शिवपाल यादव का कहना है कि हम सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का ज्ञान दे रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी अब जबरदस्त मंथन में लग गई है कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ना है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात साफ साफ कही जा सकती है कि पुराना परिणाम दोहरा पाना बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब विधानसभा में नहीं दोहरा पाए तो लोकसभा में कहानी और भी टेढ़ी है, या फिर आप इसे नामुमकिन भी कह सकते हैं। एक और बात जो बार बार मेरे मन में उठ रही है और वो ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया यानी कि मायावती जी यूं ही शांत रहेंगी, अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखती रहेंगी? जिस तरीके के आरोप लगते हैं कि आय से अधिक मामले में सीबीआई के डर से उन्होंने मैनेज कर लिया है, तो बात जब लोकसभा चुनाव की आएगी तब भी क्या उनके मन में सीबीआई का डर रहेगा? लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, यदि चुनाव से ठीक पहले बहन जी ने समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर लिया तो क्या होगा? तब तो स्थिति एकदम उलट हो जाएगी। और चुनाव से ठीक पहले यदि गठबंधन हुआ तो फिर केंद्र की मोदी सरकार बहन जी पर जांच एजेंसियों का प्रयोग भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उल्टा रिएक्शन कर जाएगा। यानी कि 2024 की लड़ाई अब बहुत ही गंभीर संकट में फंसती हुई नजर आ रही है बीजेपी और पीएम मोदी के लिए। वहीं बहुत सारे राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि यदि बीजेपी 50-60 सीटों भी नीचे आ गई तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बन पाएंगे। बाकी वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है, देखते जाइए क्या क्या होता है। कुछ समय पहले ही राजस्थान में नासिर और जुनैद की जलाकर हत्या कर दी गई थी। अभी तक वो मामला ठंडा भी नहीं हो पाया था कि एक और वैसा ही मामला सामने आ गया है। अलवर का एक मामला सामने आया है। इस खबर के अनुसार कट्टरपंथियों ने मौसम नाम के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करके लाश को शमशान घाट में जला दिया। इस खबर के अनुसार लगभग एक महीना पहले कुछ लोग घर से बुलाकर उस व्यक्ति को ले गए, तभी से वह व्यक्ति गायब था। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इंकलाब अखबार के अनुसार पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मौसम नाम के मुस्लिम व्यक्ति के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसका कत्ल किया, फिर उसके शव को गोविंदगढ़ में ले जाकर शमशान घाट में जला दिया। इस मामले में पुलिस ने सोहनलाल छोटेलाल और नरेश कुमार नाम के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों ने अपना सारा कारनामा भी कबूल कर लिया है। हालांकि इस खबर से यह साफ नहीं हो पा रहा है कि यह हत्या क्यों की गई है, मगर सवाल यह भी उठना चाहिए कि यदि राजस्थान पुलिस ने पुराने मामलों में जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की होती तो हो सकता था कि इस तरह की चीजें सामने ना आए। वहीं ट्विटर पर नफरती गैंग के बहुत सारे सदस्य एक्टिव हो गए हैं इस व्यक्ति को लेकर। हालांकि इनके बारे में भी तमाम तरीके के सवाल उठते हैं कि ये जानबूझकर गोदी मीडिया के गर्मा गर्म बहस में जाकर हिस्सा बनते हैं और नए नए विवादों को जन्म देते हैं। इस बार इनका छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल किया जा रहा है और इन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। इस वीडियो क्लिप को सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि संभवतः चर्चा अखंड भारत को लेकर हो रही है और शोएब जमई नाम के ये व्यक्ति कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कान खोल कर सुन ले बाबा, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश के 25 करोड़ मुसलमान और भारत के 25 करोड़ मुसलमान मिलकर 75 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा हमारे सांसद होंगे। हम ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेकर भागना ना पड़े तो मेरा नाम बदल देना, तुम्हारे बाप का देश है। शायद चर्चा किसी नफरती और गैर संवैधानिक बात करने वाले बाबा की हो रही होगी, मगर सवाल ये उठता है कि शोएब जमई ने इस वीडियो में ऐसी कौन सी बात कह दी जो नफरती गैंग के चिंटुओं को मालूम नहीं है। भाई बात साफ है, यदि आप अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने साथ मिलाएंगे तो वहां के लोग कहां जाएंगे, कहां भेजेंगे उनको? क्या उन्हें ट्रांसपोर्ट करके अमेरिका भेजने का इरादा है क्या? जाहिर सी बात है, यदि वहां के तमाम मुस्लिम भी भारत में आएंगे तो मुसलमानों की आबादी तो बढ़ेगी, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। यानी कि अपनी ही बात से पलटी मार रहे हैं नफरती चिंटू। सोच कर देखिए ये बात कितनी हास्यास्पद है कि अखंड भारत का नारा लेकर चल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने के बाद वहां की जनता का क्या होगा, ये बात सुनकर पुलिस चिल्ला रहे हैं। बहरहाल नफरती चिंटुओं की क्षमता इससे ज्यादा नहीं है, बेचारे ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, ये ब्लॉक हो गया है ना। वहीं दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार काठमांडू के मेयर ने अपने कार्यालय में एक मैप लगाया है जिसमें हिमाचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को नेपाल का क्षेत्र बताया गया है। दरअसल कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अंग्रेजी शासन ने नेपाल से छीनकर भारत में मिला दिया था और अब वो भारतीय हैं। हाल ही में खबर आई कि भारत की नई संसद में अखंड भारत का कोई नक्शा लगाया गया है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि ये नक्शा सिर्फ सांस्कृतिक नक्शा है जो असल में अशोक सम्राट के साम्राज्य को दिखाता है, लेकिन नेपाल में इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है और नेपाल के नेता लोग भारत के हिस्सों पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यालय में मैप लगाकर। वैसे सोशल मीडिया पर लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा के लोगों के अनुसार अखंड भारत तो बनाना ही है, तो फिर नेपाल से यह
कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि यह सांस्कृतिक नक्शा है, इसे राजनीतिक रूप से न लें? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।